अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं एडिजन में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको क्लैंप मीटर के बारे में बताऊंगा कि क्लैंप मीटर किस शक्ल का होता है और किस तरह इससे काम लिया जाता है और क्या क्या इससे हम चेक कर सकते हैं। तो ये एक क्लैंप मीटर है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल होते हैं, कुछ शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो ये इस तरह का है। इसके साथ में ये दो वायर्स होती हैं जो हमें चीज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, किसी की एम्पेयर चेक करने हो या किसी चीज़ के वोल्ट चेक करने हो, लाइट के वोल्ट चेक करने हो, या हमें किसी की कनेक्टिविटी चेक करनी हो तो ये वायर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। तो इसको हम जब ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पर हमें ये जो है रीडिंग बताएगा। अगर ये एम्पेयर पे करेंगे तो एम्पेयर के बारे में बताएगा, वोल्ट वाली साइड पे करेंगे तो वोल्ट हमें ये बताएगा। अगर हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि किसी का सर्किट, किसी वायर का सर्किट मुकम्मल है, तो उसके बारे में ये हमें बताता है। थोड़ी सी बीप की आवाज़ भी साथ में देता है। हम किसी तार को चेक करें या किसी मोटर को चेक करें कि उसके कनेक्शन जो हैं वो किसी जगह से कोई क्रैक तो नहीं है, तो वो हमें ये मीटर जो है ये बताएगा। तो साथ में बीप की आवाज़ भी देता है। अगर हमारा सर्किट मुकम्मल है तो ये बीप की आवाज़ भी साथ में देगा। जैसे ये वायर को हम चेक करते हैं, वायर के अंदर अगर क्रैक है या डैमेज है तार अंदर से, तो ये हमें मीटर जो है बता देगा। अभी थोड़ा सा अभी इसको चेक करेंगे तो साथ में थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ भी आएगी बीप की, लेकिन यह है कि ये डिस्प्ले में भी आपको बता देगा कि ये इसका सर्किट जो है मुकम्मल है। अगर सर्किट मुकम्मल नहीं होगा तो किसी किस्म का डिस्प्ले इस पर नहीं आएगा और ना ही इसकी बीप की आवाज़ आएगी।